नॉर्थ गोवा में विदेशी टूरिस्ट वाला बीच कौन सा है? ये है इस बीच का मेन एंट्रेंस, मीन्स विदेशी टूरिस्ट वाला बीच का मेन एंट्रेंस। और अभी मैं इस साइड चलूँगा और आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि विदेशी टूरिस्ट कहाँ पर रहते हैं और यह बीच गोवा में कहाँ पर है, यहाँ आने के साधन क्या क्या हैं और किस समय आना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है, स्टे करने के लिए क्या क्या है और सारी चीज़ कवर करूँगा। तो ये है इंडियन और रशियन सेक्शन मिक्स है, मतलब यहाँ पे सभी टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे, इंडियन, रशियन एंड अन्य कंट्री से आए हुए। लेकिन आगे चल के जहाँ पे मैं चलूँगा वहाँ पे केवल विदेशी टूरिस्ट ही दिखेंगे, रशियन ही रशियन दिखेंगे। और इस बीच को रशियन बीच भी कहा जाता है क्योंकि इस बीच पर बहुत मात्रा में रशियन टूरिस्ट आते हैं। तो रशियन टूरिस्ट इन गोवा, फॉरिनर टूरिस्ट इन गोवा आप लोग हमेशा सर्च करते हो तो इसी बीच पर आते हैं। और इस बीच को अरंबोल बीच कहा जाता है जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच है, या फिर ये कहें बेस्ट बीच इन गोवा एंड बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा आल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। आप किसी भी सीजन में आओ, किसी भी समय आओ, यहाँ तक कि मानसून में भी भीड़ भाड़ बनी रहती है। यह बीच पंजिम सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है और मांड्रेम बीच से कनेक्टेड है। इसी साइड अगर आप आगे जाओगे लगभग 500 टू 600 मीटर तो आपको मिल जाएगा गोवा का मांड्रेम बीच, जो कि अनदर रशियन बीच है। अभी मैं इस बीच बेड में आ गया हूँ रेस्ट करने और एक रशियन टूरिस्ट मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि उनकी थिंकिंग क्या है। तो चलिए बात करता हूँ रशियन टूरिस्ट से, कुछ बात करके आपको बताता हूँ। By car, bus. I rented a scooter. It's easier because you are alone. Yeah, it's easier because scooters can park anywhere. इन भाई साहब से बहुत बात किया, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये है गोवा का अरंबोल बीच जो कि बहुत ही फेमस बीच है। इन भाई साहब से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग रशिया के नॉर्थ पार्ट से हैं, इसलिए ये लोग थोड़ा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट जैसे लगते हैं। अगर आपको अरंबोल बीच की नाइट लाइफ एंड नाइट पार्टी का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।